सारे पूरी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो शख्सियत के बारे में क्या कहना, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी इंडस्ट्री को अगर सामने एक जगह पर खड़ा कर दे तो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मधु जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको, विश मैनी मैनी हैप्पी रिजल्ट ऑफ द डे एट रेट ऑफ गॉड टू गिव यू गॉड फॉर हैप्पीनेस फॉर फॉर सक्सेस। एक्टर के साथ साथ सीरियल भी बहुत अच्छे हैं, गाते भी बहुत अच्छा है, गाते भी बुलाइए। हाँ एक्चुअली मेरी एक फिल्म आ रही है कसम पैदा करने वाले की, उसमें बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। एक गाना बस, अरे दिल पे चला वे आरी तो हर नैना कारी कारी, ब्यूटी के खजाना तो हर करे बमबारी, दिल पे चला वे आरी तो हर नैना कारी कारी, ब्यूटी के खजाना तो हर करे बमबारी, देखी के रूप परल मानी मुश्किल में हौसल बादी फसल बादल तोरा नतिया के दिल में, फसल बादल तोरा नतिया के दिल में। अभी लेटेस्ट यही गाना गाया हूँ और आगे की रिकॉर्डिंग हुई है। और भी कई फिल्में आपकी हैं लाइन में, जरा बताइए। मुझे लगता है कि सन 2016 जो हमारा अभी 10 दिन पहले ख़त्म हुआ है, 2016 में सबसे ज़्यादा फिल्म करने वाला एक्टर नहीं हूँ। 8 फिल्में बैक टू बैक मैंने की हैं जिसमें कंप्लीट हो चुकी हैं फिल्में, और रिलीज़ के लिए लाइन में थी लेकिन चूँकि नोटबंदी के वजह से हम लोगों ने देखा कि आम पब्लिक थोड़ी सी परेशान है, खास करके हमारे जो दर्शक वर्ग हैं, तो इसलिए हमने रिलीजिंग रोका गया है। पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है मेरी रंगदारी टेक्स्ट बुक श्री प्रकाश शुक्ला, एक रियल कहानी से बनी हुई फिल्म है भोजपुरी में। आमतौर पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को उठा करके कोई फिल्म बने, बट श्री प्रकाश शुक्ला जो उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया थे और बिहार के, उनके ज़िंदगी पर बनी है फिल्म रंगदारी टैक्स जो 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। और इसके बाद से बस समझ लीजिए कि 2017 में मेरी फिल्मों की बाढ़ दिया। आपको नहीं लगता शिव प्रकाश शुक्ला के जीवन पर फिल्म बनाने के बाद आपको लगता नहीं है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम लोग? एक्चुअली मैं एक बात इसको जरूर प्रकाश डालना चाहूँगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग पर्दे के पीछे की हकीकत को नहीं समझ पाते। यश कुमार पर्दे के ऊपर क्या कर रहा है, वो रो रहा है, लोग अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। ऐसा ही एक कैरेक्टर है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला सच्चाई में, अगर सच में देखा जाए तो श्री प्रकाश शुक्ला एक हीरो था। श्री प्रकाश शुक्ला क्यों बने श्री प्रकाश शुक्ला, यही इस फिल्म की कहानी है। श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को गोरखपुर के कॉलेज में एक लड़का था जो छेड़ता था, खुशीनगर नाम था। तो बड़े साधारण से परिवार के थे श्री प्रकाश शुक्ला, जो स्टोरी उनके प्रकाश में जो गूगल पे है उस पे यही है। तो जब पुलिस में कंप्लेन लिखवाया गया, सीरियस नहीं लिया गया उस बात को, तो बहन की आत्मरक्षा के लिए अगर श्री प्रकाश शुक्ला ने हथियार उठा लिया तो मुझे नहीं लगता है कि श्री प्रकाश शुक्ला कहीं से विलन है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर फिल्म की है। फिल्म जरूर देखिएगा, आपको फिल्म देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में श्री प्रकाश शुक्ला विलन थे या नहीं थे। जी जी, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में जिन्होंने उनका एनकाउंटर किया था, श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर तब हुआ था जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के 6 करोड़ में सुपारी ली थी। उस समय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उनको टास्क दिया गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। तो श्री प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद में मारा गया था, 50 इंडिया के टॉप शूटर्स मिलकर के उनका एनकाउंटर किए थे। ये फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। श्री प्रकाश शुक्ला का जिन्होंने एनकाउंटर किया था वो गूगल पे लिखे हैं कि लोमड़ी सा दिमाग, चीते से फुर्ते और बाघ सा तेज, मतलब काफ़ी श्री प्रकाश शुक्ला के कैरेक्टर को जिस इंस्पेक्टर ने एनकाउंटर किया उन्होंने ही अगर इस तरीके से व्याख्यान किया है तो आप समझ सकते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला किस लेवल के परफॉर्मर रहे होंगे, किस लेवल के माफिया रहे होंगे। और श्री प्रकाश शुक्ला को आप लोग देखेंगे तो बड़ा दिल खुश होगा आप लोगों को, आप लोगों को सच में लगेगा कि माफिया बनते नहीं है, बहुत हालात से बना दिए जाते हैं।